जनपद में गुरुवार को जिला अस्पताल सहित अन्य केंद्रों पर 18 साल के ऊपर के 1871 नागरिकों और 45 साल के ऊपर के 4843 नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज 3426 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1417 नागरिक शामिल रहे। आपको बता दें कि कोविड का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर सुबह 10 बजे से ही भारी संख्या में नागरिकों की लाइन लग रही है। इस दौरान नागरिकों ने सोशल डिस्टेंस के साथ लाइन लगाकर बारी बारी से रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना टोकन लिया। गुरुवार के वैक्सीनेशन में देखने को मिला कि युवाओं ने बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया तथा दोबारा लाइन में लगकर सोशल डिस्टेंस के साथ टोकन देकर अपना वैक्सीनेशन करवाया तथा वैक्सीनेशन के बाद नागरिकों को सर्टिफिकेट का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर टीकाकरण कराने वाले नागरिकों ने कहा कि वैक्सीनेशन से किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं हुई है तथा अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले नागरिकों ने कहा, भैया दो लोग आइए, चाहिए पहले चाहिए बोला लो। कोवैक्सीन लगा इंदिरा शुक्ला आज आपको वैक्सीनेशन किया गया है। हाँ अच्छा लग रहा है, अभी आधे घंटे बैठ वेट करना है हमें, उसके बाद ही घर जाना है। कितने दिनों से बस जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था नंबर आ गया, आज का डेट मिला था। नहीं अभी तो नहीं हो रही, अभी तुरंत लगा है तो कैसे पता चलेगा। हाँ बस सभी को लग जाए, सभी सुरक्षित रहें। ज्योति शुक्ला बहुत अच्छा लग रहा। कहाँ से आप? गोरखपुर से। किसी तरह की कोई समस्या जी नहीं? कोई समस्या नहीं। कहना चाहेंगे?
जी हाँ, ये वैक्सीनेशन हर किसी को लेना चाहिए, इसके प्रति हर किसी को जागरूक होना चाहिए, ये हम सब के लिए ही हो रहा है। ये टीका हर किसी को लगवाना चाहिए, तभी हमारा जो भारत रहेगा वो सुरक्षित रहेगा कोरोना से। स्मृति शुक्ला, ठीक है अभी तो फिलहाल ठीक ही है, इस टाइम बाद रिएक्शन पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अन्य लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि मतलब लोग जहाँ जितना हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेशन लगवा लें अपना, और सुरक्षित रहें अपने घरों में।